हेलो दोस्तों, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं नाम कीर्ति कुमार मकवाना और आप देख रहे हो केके मैकेनिकल गुरु। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आज मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं जर्नी आपको बताऊंगा, जीरो से लेके 1000 तक मेरी जर्नी क्या है, और कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे भी आपको अगर न्यू यूट्यूबर्स हो तो उसको चैनल ग्रो क्या करना है, तो कुछ टिप्स बताऊंगा। दोस्तों जितने भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर है उनको पहले तो खूब खूब धन्यवाद। ऐसी कंटेंट और अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, नए सब्सक्राइबर हो या कोई न्यू देख रहा है वीडियो, तो प्लीज मैं आपको इस चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरे चैनल में आपको टेक्निकल वीडियो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए मिल जाएंगे, और जितनी भी एमएनसी कंपनी है उसमें इंटरव्यू क्लियर कैसे करने हैं, कौन से टॉपिक इंटरव्यू के पूछे जाते हैं, उस हिसाब से मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अगर फिर भी आप इंजीनियर हो या कुछ भी अगर जानना चाहते हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको नया वीडियो मिलते रहे। चलो दोस्तों, मैं आपको पूरा कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता दूंगा। पहले एक और खूब धन्यवाद दोस्तों जितने मेरे 1000 सब्सक्राइबर है। दोस्तों मैं अपना चैनल मैंने चालू किया था यहाँ पे, जो लॉकडाउन हुआ था तो उसी टाइम मैंने अपना चैनल चालू किया था मार्च में। मार्च के बाद जो अप्रैल में, वहां से मैंने एक निश सिलेक्ट किया। निश सिलेक्ट करने के बाद मैंने यूट्यूब पे काम चालू करने और मैं वीडियो अपलोड करता रहा, और आपके प्यार से और आपकी दुआ से, आपके वीडियो के अच्छे लगने से मेरे यहाँ सब्सक्राइबर 1000 हो चुके हैं। पर फिर भी मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। न्यू यूट्यूबर्स हो तो आपको करना क्या है, मैं आपको पूरा थोड़ा ट्रिक्स बता देता हूँ। ट्रिक्स तो नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता टिप्स मान लो, या आपको मेहनत मान लो, या हार्ड वर्किंग, उसी पे हार्ड वर्किंग पे सब कुछ चलता है दोस्तों। यहाँ पे कोई ट्रिक्स और टिप्स कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज बता देता हूँ, जो SEO बोलते हैं यूट्यूब का, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले चीज दोस्तों, अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हो तो पहले अपना निच सिलेक्ट कर लीजिए। निच से बोले तो आपका जो भी आपने YouTube चैनल बनाया हुआ है, उस YouTube चैनल का देखिए कि कौन सा कंटेंट डाल रहे हो। अगर आप डाल लो स्टडी पे, तो स्टडी के वीडियो डालने चाहिए दोस्तों, ना ही कोई टेक्निकल वीडियो और रिव्यू वीडियो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, YouTube में व्यू नहीं आते। व्यू इसलिए नहीं आते, कस्टमर या कोई भी आपका जो वीडियो देख रहा है दोस्तों, तो उसको लगता है तो कुछ भी डाल रहा है, तो उसको सब्सक्राइब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि मेरा सब कुछ, मेरा ही, मैं अपने चैनल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैकेनिकल के वीडियो डालता हूँ दोस्तों। तो मैकेनिकल वीडियो कोई मेरा देखेगा तो देखेगा, ये मैकेनिकल वाला अगर एक बार वीडियो देखेगा तो सोचेगा चलो मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, ताकि उसको अगले बार वीडियो को अपलोड मैं करूंगा तो मैकेनिकल का मिलेगा, ना ही कोई टेक्निकल या कुछ रिव्यू मिलेगा दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ नीच सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब यूट्यूब रिव्यू करता है वो भी पहले देखता है कि आपका जितने भी वीडियो है एक ही टॉपिक पे है, एक ही नीच पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीच सिलेक्ट करना। तो नीच सिलेक्ट करते हो तो उस पर ही कायम ही बने रहना, उसी पे कैरियर बनाना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों दूसरी बात करें तो दूसरी क्या है कि आप जब भी अपना चैनल चालू करते हो तो लोगो जरूर बनाए। लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है आपकी चैनल को। लोगो से मतलब, जैसे कि आपने आईफोन देखा होगा दोस्तों, आईफोन में जो पीछे का जो आईफोन का लोगो है बहुत ही देख के पहचान जाता है कि आईफोन है, वैसे उस हिसाब से सारे लोगो बनाए जाते हैं। तो मैं भी आपको एक चीज कहता हूँ, जब भी आप नीच सिलेक्ट करें, नीच सिलेक्ट करने के बाद सबसे दूसरा काम जरूर करें लोगो सिलेक्ट करें, ताकि आपकी पहचान बन सके, आपके यूट्यूब चैनल की पहचान बन सके कि ये वाला लोगो है इसी चीज का। तो उससे क्या होता है, ऑडियंस बढ़ती है और सब्सक्राइबर भी बढ़ती है और वॉच टाइम भी बढ़ता है और सब कुछ बढ़ता है, और चैनल का नाम भी होता है और बहुत कुछ फायदा होता है दोस्तों। तो तीसरी चीज आपको बताएं, इंट्रो वीडियो जरूर बनाएं। अगर आप कोई भी वीडियो डाल रहे हो तो इंट्रो वीडियो जरूर बनाएं। इंट्रो वीडियो में क्या डालना है दोस्तों, इंट्रो वीडियो में आपको डालना है कि आप किस टाइप के वीडियोस अपने चैनल में डालते हो और आपके लिए क्या फायदा है, कस्टमर को थोड़ा बताना है, जो भी अपना वीडियो देख रहा है उसको भी बताना है दोस्तों कि आपको क्या काम आएगा। ये तीन टिप्स आप फॉलो करोगे तो अपने आप आपका सब्सक्राइबर बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि आप कभी वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब पे, अपलोड करने के बाद शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपके जो वीडियो उसका उसकी बढ़ रिटेंशन, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाती है दोस्तों। शेयर जरूर करें, फेसबुक में करें, व्हाट्सएप करें, अपने रिलेटिव में जरूर शेयर करें। शेयर करने से आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती है दोस्तों, तो प्लीज उसको शेयर जरूर करें, उससे आपके व्यू भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको अच्छे लगे टिप्स, अगर आपको लगा हो कि काम के टिप्स है, तो सब्सक्राइब जरूर दोस्तों। एक टिप यूज जरूर करना, आपके सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, वन टाइम बढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूंगा दोस्तों। जितने भी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर दोस्तों, आपके लिए जितने भी अच्छी वैकेंसी निकलेंगी उसको कैसे क्लियर करना, जितनी भी एमएनसी कंपनी है उसमें क्या पूछा जाता है और आपको कैसे जवाब देना है, क्या प्रिपरेशन करके जाना है, उसके वीडियो भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाला दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, धन्यवाद।